इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि आप अपने विंडो 11 कंप्यूटर या फिर आप अपने विंडो 11 लैपटॉप में YouTube म्यूजिक का एप्लीकेशन वर्जन किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन कर लेना है। ये आपके कंप्यूटर में प्री इंस्टॉल होगा एंड ये आपके डेस्कटॉप पे ऑलरेडी पिंच किया होगा या फिर आप टास्क बार में चेक कर लेंगे या फिर आपके टास्क बार में पिंच किया होगा। अगर नहीं पिंच किया होगा तो आप लोग यहाँ पे सर्च पे जाएंगे, उसके बाद आप लोग यहाँ पे सर्च करेंगे माइक्रोसॉफ्ट। तो जो मैं लिखकर सर्च कर रहा हूँ आप भी वही से लिखकर सर्च कर लेंगे। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा माइक्रोसॉफ्ट तो आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। बेसिकली ये आपके कंप्यूटर में प्री इंस्टॉल होगा तो आप लोग इसको ओपन कर लेंगे। तो जैसे ही मैंने इसको ओपन किया ये हमारे विंडो में ओपन हो रहा है, तब तक हम लोग वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर हमारे विंडो 11 कंप्यूटर में ओपन हो चुका है। तो अब हम लोग को जाना है सर्च बॉक्स में एंड यहाँ पे टाइप करना है यूट्यूब म्यूजिक। तो आप भी यहाँ पे यूट्यूब म्यूजिक सर्च कर लेंगे। तो जैसे ही मैंने यूट्यूब म्यूजिक सर्च किया तो आप लोग को यहाँ पे कोई भी यूट्यूब म्यूजिक से रिलेटेड ऐप नहीं दिखाई दे रहे होंगे एंड यहाँ पे iTunes है, नेटफ्लिक्स है, स्पॉटिफाई म्यूजिक एंड पॉडकास्ट है, बट यहाँ पे यूट्यूब म्यूजिक से रिलेटेड कोई भी एप्स प्रोवाइड नहीं किए गए हैं। तो बेसिकली हम लोग अपने फोन में एप्स को इंस्टॉल करने के लिए या फिर यूट्यूब म्यूजिक को इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर पर सर्च कर लेते हैं एंड वहां से इंस्टॉल कर लेते हैं। बट इन द केस ऑफ विंडोज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से ऐप को इंस्टॉल करते हैं बट यहाँ पे यूट्यूब म्यूजिक प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो बेसिकली आपको यूट्यूब या फिर यूट्यूब म्यूजिक आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे नहीं मिलेगा, ये आपके उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा। तो अगर आप लोग सोचते हैं कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से YouTube डाउनलोड कर सकते हैं तो आप लोग को यहाँ पे कोई भी YouTube या फिर YouTube म्यूजिक नहीं मिलने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ जहाँ से आप अपने कंप्यूटर में YouTube या फिर YouTube म्यूजिक को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप लोग को जाना है गूगल क्रोम पे। तो मैं अपना गूगल ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ, आप भी अपना ब्राउजर ओपन कर लेंगे। उसके बाद आप लोग जाएंगे सर्च बॉक्स में एंड यहाँ पे टाइप करेंगे youtubemusic.com। तो जो मैं लिखकर सर्च कर रहा हूँ आप भी वही सेम लिखकर सर्च कर लेंगे youtubemusic.com। तो अब मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूँ। तो जैसे ही मैं इंटर प्रेस करता हूँ हम लोग पहुंच चुके हैं यूट्यूब म्यूजिक के ऑफिशियल वेबसाइट पे एंड आप लोग को यहाँ पे यूट्यूब म्यूजिक का लोगो दिखाई दे रहा है एंड यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ सॉन्ग्स है प्रोवाइड किए गए हैं जो कि आप सुन सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग को इसका ऐप वर्जन इंस्टॉल करना है एंड ये वेबसाइट वर्जन है। तो हम लोग को एप्लीकेशन वर्जन इंस्टॉल करने के लिए आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 3 डॉट है, तो हम लोग इस 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही मैंने 3 डॉट पे क्लिक किया आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा इंस्टॉल यूट्यूब म्यूजिक, तो आप लोग इंस्टॉल यूट्यूब म्यूजिक पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही मैंने इंस्टॉल यूट्यूब म्यूजिक पे क्लिक किया आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा इंस्टॉल ऐप ? एंड यहाँ पे लिखा हुआ यूट्यूब म्यूजिक। तो बेसिकली आप लोग इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही मैंने इंस्टॉल बटन पे क्लिक किया आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा हमारा जो यूट्यूब म्यूजिक है हमारे कंप्यूटर में सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो मैं एक मिनट के लिए इसको मिनिमाइज कर ले रहा हूँ एंड मैं अब अपने क्रोम ब्राउजर को भी मिनिमाइज कर लेता हूँ एंड आप लोग को अब यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा हमारे डेस्कटॉप पे यूट्यूब म्यूजिक डाउनलोड हो चुका है एंड सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो मैं यहाँ पे सर्च बॉक्स में यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ यूट्यूब म्यूजिक, चेक कर लेता हूँ कि ये हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो जैसे मैंने यूट्यूब लिखा आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा यूट्यूब म्यूजिक ऐप वर्जन हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो चुका है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको ओपन किया ये हमारे कंप्यूटर में ओपन हो चुका है एंड आप लोग को यहाँ पे बहुत तरीके के डिफरेंट काइंड ऑफ सॉन्ग्स प्रोवाइड किए गए हैं जो कि आप सुन सकते हैं एंड यहाँ पे आपको होम, एक्सप्लोर, लाइब्रेरी, सर्च का भी ऑप्शन है एंड यहाँ पे आप साइनिंग भी कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे गूगल अकाउंट से लॉग इन करना है तो आप यहाँ से लॉग इन भी कर सकते हैं, अदरवाइज मैं यहाँ से बैक ले रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने बैक किया हम लोग पहुंच चुके हैं यूट्यूब म्यूजिक के ऐप पे एंड मैंने जो आपको इस वीडियो में तरीका बताया यूट्यूब म्यूजिक को इंस्टॉल करने का, आप लोग एक बात का ध्यान देंगे ये जो तरीका है आपको ओनली यूट्यूब या फिर यूट्यूब म्यूजिक इंस्टॉल करने में काम देगा। अगर आप लोग कोई दूसरी वेबसाइट पे ये तरीका आजमाते हैं तो ये तरीका वहां पे वर्क नहीं करेगा। ये जो तरीका मैंने आपको बताया ये ओनली फॉर यूट्यूब या फिर यूट्यूब म्यूजिक डाउनलोड करने के लिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया कि आप अपने विंडो 11 कंप्यूटर या फिर आप अपने विंडो 11 लैपटॉप में यूट्यूब म्यूजिक को किस तरीके से डाउनलोड करेंगे एंड डाउनलोड करने के बाद किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है या फिर क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।